जो मेंटल फोकस टॉपिक है इसको इतनी अहमियत क्यों दी जा रही है? क्योंकि आप ये जानते हैं जितने भी आप लोग पर्सन को देख रहे हैं जो सक्सेसफुल हो चुके हैं, अगर आप देखते हैं कि वो पर्सन सक्सेसफुल है तो इसका कारण क्या है, उनका 100% कंसंट्रेशन उनके काम में रहता है। आपने देखा होगा कोई भी पर्सन सक्सेसफुल है तो आप देखते हैं कंसंट्रेशन लेवल उनका बहुत अच्छा होता है। और दूसरी चीज आपको ध्यान रखना है कि उनका 100% वर्क फ्लो बहुत अच्छा रहता है, यानी काम करने का जो फ्लो होता है वो बहुत अच्छा रहता है उनका, जिनका मेंटल फोकस बहुत अच्छा रहता है। इसका एक बहुत ही जीवित अगर उदाहरण की बात करें तो आप लोग ने अगर सचिन तेंदुलकर को अगर बैटिंग करते अगर आपने देखा है, या एमएस धोनी को अगर आपने बैटिंग करते कप्तानी करते देखा है, या कोई भी बड़ा नाम जैसे विराट कोहली की बात करें, अगर आपने विराट कोहली को भी अगर आपने देखा है तो आप देखते हैं कि उनके सक्सेस का राज क्या है। जितने देर वो बैटिंग करते, जितने देर वो अपने गेम्स को खेलते हैं, उनका कंसंट्रेशन कभी बिगड़ते देखा आपने? नहीं देखा। क्या उनका बैटिंग या बॉलिंग जो स्टाइल उनका है, जो फ्लो उनका है, क्या उनको आपने बदलते देखा? नहीं देखा। तो हम आम इंसान क्यों फेल हो गए? अगर आप देखें, आप लोग ने भी 22-25 साल लगभग आप टेनिस को दे चुके हो, लेकिन आपको अभी तक सक्सेस क्यों नहीं मिली? इसको कभी आप लोगों ने देखा सक्सेस क्यों नहीं मिली? आपके पास अभी क्या नहीं है? अगर आप देखें तो आपके पास क्या नहीं है? सक्सेस नहीं किसी के पास। अगर सक्सेस आपके पास होता तो इस समय मर्सिडीज से उतरते विस्तार के सामने, फिर हम लोग मर्सिडीज लगवाते आपकी, क्योंकि साइड में लगा दो जगह ब्रेक हो रही है, या मर्सिडीज नहीं तो कम से कम एक अच्छी बाइक या बहुत अच्छा आपका लाइफ स्टाइल होता। लेकिन हमारे लाइफ स्टाइल क्यों नहीं? क्योंकि हमारे पास देखो सक्सेस मांगता है कि आपका कंसंट्रेशन और वर्क फ्लो बहुत बेहतरीन होना चाहिए। और कंसंट्रेशन और वर्क फ्लो को बेहतरीन करने के लिए वैसे तो आपको 12-13 साल से लगना चाहिए था, क्योंकि जितने भी लोग सक्सेस हुए वो 12-13 साल से कंसंट्रेशन और वर्क फ्लो को भी बेहतरीन करके रखे हुए थे। जैसे हाल ही में लता मंगेशकर जी का हमने सुना है, लता मंगेशकर जी बहुत बचपन से गाती थी, उनका लेवल ऑफ कंसंट्रेशन बहुत अच्छा था। जब गाती थी तो वे किसी से ज्यादा बात करना या फिर किसी से ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड नहीं होती थी, और फ्लो तो पूरी दुनिया उनकी मानती है। तो लता जी ने भी 12-13 साल से क्या किया था? कंसंट्रेशन ऑफ वर्क फ्लो बेहतर रखा, तो उनको ऐसा सक्सेस मिला कि आज उनके जाने के बाद दूसरे देशों के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भी लता मंगेशकर जी को श्रद्धांजलि देने से पीछे नहीं हट रहे थे। तो आज हमें इस सेशन में ये सीखना है कि मेंटल फोकस हम कैसे हासिल करें जिससे हम ये दोनों चीजों को पा सके। तो आज मैं आपको यहाँ पे 3 मेथड्स ऐसे बताऊंगा जिन मेथड से मेंटल फोकस को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। मेथड 1 आप लिखिएगा, मेथड 1 फर्स्ट मोमेंटम देन प्रोडक्टिविटी। फर्स्ट मोमेंटम देन प्रोडक्टिविटी, ये आपका पहला मेथड है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। मोमेंटम से क्या समझते हैं? मोमेंटम से क्या समझते हैं बताइए, क्या होता है मोमेंटम? और आपके लाइफ में मोमेंटम है कुछ? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, बैठिए। है कुछ मोमेंटम? देखो ये आपको मैं बता दे रहा हूं कि ये जितने भी पॉइंट्स आपको बताए जा रहे हैं ये सारे रिसर्च बेस्ड पॉइंट है। तो रिसर्च ये कहता है कि अगर आपको फोकस हासिल करना है आप सबसे पहले क्या करें, मोमेंटम हासिल करें। मोमेंटम मतलब आप पहले स्पीड हासिल करें, आप पहले काम को करने का लय हासिल करें। और इसका एक प्रैक्टिकल अगर मैं प्रमाण दूं, कोई भी खिलाड़ी जब आउट ऑफ फॉर्म रहता है तो आप देखिएगा वो जब क्रिकेट खेल करता है तो वो बंदा करता क्या, थोड़ी देर पिच में ठहरने का सोचता है। आपने देखा है इसमें जैसे सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, रोहित शर्मा अगर आउट ऑफ फॉर्म है तो आप देखते 4-5 ओवर वो आराम से क्या करते हैं, पहले पिच को समझते हैं, पिच को समझते हैं और खेलते चुपचाप खेलते हैं, ज्यादा चौके छक्के नहीं मारते, एक एक दो रन लेके मोमेंटम बनाते हैं। और जैसे मोमेंटम उनका बनता है उसके बाद फायर ऑन वो करना चालू करते। इसका सबसे अच्छा उदाहरण रोहित शर्मा का दिया गया है। रोहित शर्मा को अगर आप देखते हैं तो वो फर्स्ट ओवर क्या करता है, मोमेंटम गेन करता है, 2-4 ओवर क्या करता है वो खेलता है, उसके बाद फिर जो मारना चालू करते हैं रोहित शर्मा तो लास्ट में भी इतने चौके छक्के मारते हैं कि इसका कुछ का कोई रोल नहीं है। तो सबसे पहला मॉडल मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप सबसे पहले क्या करें, मोमेंटम हासिल करें। अब रियल लाइफ में मोमेंटम कैसे हासिल करें क्रिकेटर्स के लिए, तो चलो ठीक है उनको बॉल खेलना है, आपके लाइफ में मोमेंटम कैसे हासिल करोगे? जैसे आज आप जॉब में आप जा रहे हो, जॉब का पहला दिन है, तो मोमेंटम हासिल कैसे करेंगे आप? पहले दिन पूरा काम ना कर देना, सिर्फ समझते रहोगे। सबसे पहले ध्यान रखना मोमेंटम हासिल करने का आसान तरीका क्या है, आसान कामों को पहले करो। जैसे आपको भी जैसे आप पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई में भी आपको ध्यान रखना मोमेंटम कैसे हासिल करना है। सबसे पहले उन सब्जेक्ट्स को आप पढ़ो जो आपको बहुत अच्छा लगता है,
जब आप उन सब्जेक्ट को पढ़ते हो तो आपका धीरे धीरे मोमेंटम क्या हो जाता है, आने लगता है। उसके बाद जो हार्ड सब्जेक्ट है वो क्या करता है, बाद में पढ़ता हूँ। जिनमें आपको ज्यादा रुचि नहीं उसको कब पढ़ेंगे आप, लास्ट में। तो लास्ट में अगर आप हार्ड सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो मोमेंटम आपका तो क्या आ चुका होगा, तो आपको सब्जेक्ट पढ़ने में दिक्कत होगी क्या? ठीक है, तो मोमेंटम हासिल करने का रूल क्या है, रूल लिखिएगा, फर्स्ट डू द इजी थिंग, सबसे पहले आसान काम को करें, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, इसलिए दिन के शुरुआत में, क्योंकि आप जब दिन की शुरुआत करते हो तो आपको सुबह सुबह मोमेंटम हासिल करना होता है, तो मोमेंटम हासिल करने के लिए आप सुबह सुबह करते क्या हो, सबसे पहले वो काम करो जो आपको अच्छा लगता है ज्यादा। जैसे कहीं को म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है तो म्यूजिक सुनो, और सबको कहा जाता है तो एक्सरसाइज भी करो, सबको कहा जाता है कि थोड़ा सा अच्छी अच्छी वीडियो सब देखो, क्योंकि दिन की शुरुआत अगर आप अच्छे वीडियो से, अच्छे म्यूजिक से करोगे, अच्छे काम से करोगे, तो मोमेंटम दिन में मिल जाता है। और एक बार मोमेंटम मिला तो उस फ्लो में क्या होता है, सारा काम हो जाता है। पर इस मोमेंटम में भी ध्यान रखिएगा, दो तरह के सिचुएशन आ जाते हैं, ये दो सिचुएशन मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। कई लोग आप में से ये कहेंगे कि सर मोमेंटम हासिल करने के लिए हमने सोचा कि चलो हम अपने फेवरेट बुक को भी पढ़ना चालू करें, लेकिन सिचुएशन वन में क्या होता है, सिचुएशन वन में कई बार ये होता है कि आप फुल वर्क नहीं कर पाते, यानी आप काम करने के लिए बैठे लेकिन आप देख रहे हो कि यार पूरा काम उससे हो नहीं रहा, क्योंकि मेरा ध्यान बार बार क्या हो रहा है, भटक रहा है। यानी कई लोग क्या कर सकते हैं, फुल वर्क नहीं कर पाते, और कई लोग नो वर्क के सिचुएशन में बने रहते हैं। नो वर्क मतलब उनसे काम होता ही नहीं है, ये दो मेंटल फोकस के स्टेट पाए जाते हैं। एक वो लोग जो काम शुरुआत करते हैं पर पूरा काम ना करके क्या हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं, और कई लोग रहते हैं जो काम शुरू ही नहीं कर पा रहे, मतलब सोचते रोज है कि आज करेंगे लेकिन हो नहीं रहा। तो हमें इन दो सिचुएशन को क्या करना है, आज सबसे पहले टैकल करना है जिससे हमारा मोमेंटम क्या हो, हमें मिले। तो अब